देखो 10 प्लेट नहीं खानी, 1 प्लेट के पैसे हैं बस मेरे पे, ये नहीं 10 प्लेट फेल दी। अबे यार ऐसी नहीं मिलती ऑफलाइन, ये सोचो। अरे कोई नहीं, आप मेरी तरफ से एक टिप है मेरी तरफ से, ठीक है। लुक एट द वेदर गाइस, इट लुक सो प्लीजेंट, इजंट इट? वाओ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल गाइस अभी मैं एग्स लेने जा रहा था, तो सोचा क्यों ना मैं एक ब्लॉग बना लूँ, मतलब एग्स का ही व्लॉग नहीं, और भी सारी चीज़ें होंगी, बने रहे हैं चैनल पर। अंडे जी, एग्स होंगे एग्स एग्स हैं, एग्स अंडे चार देना, 6 का एक है, 5 का और है ना? नहीं 6 का। 6 का है? हाँ। क्रेट कितने की पड़ेगी पता नहीं भैया, मुझे वो दे दो फ्रूटी, वो डब्बे वाली है? नहीं ये वो नहीं है। लुक एट द वेदर गाइस, इट लुक्स सो प्लीजेंट, इजंट इट? वाओ। अभी चलेंगे यार कहीं इधर उधर, होप सो। बाहर जाने का प्लान क्या बन रहा था, जस्ट अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं गाइस, मौसम भी कुछ खास नहीं है। यार ये ऐसा क्यों होता है यार, हर समय मेरे साथ ही क्यों होता है? Let's take it slow, where you go I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. मेरा पार्सल आने वाला था, तो आई थिंक वो आ चुका है। मैंने एक टी शर्ट मंगाई थी अपने लिए। वहाँ नहीं जाता, सड़क ही ऐसी है ना। हेलो भैया, कैसे हो? सैनी जी ना? अरे कैसे, बढ़िया, काफी दिनों बाद। कितने हैं? 470 ले लीजिए, बाकी आपकी टिप है, ठीक है। हाँ अरे कोई नहीं, आप मेरी तरफ से एक टिप है मेरी तरफ से, ठीक है। चलो अच्छा लगा मिलके, ओके। बाकी कमेंट वगैरह आजकल आपके थोड़ा कम आ रहे हैं, रुको जरा सबर करो। अच्छा अच्छा लगता है सपोर्ट करते हो तो, है ना। बाकी थोड़ा सा बोल दो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, वो तो सबको पता है, उतना तो करना ही होता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, चलो ठीक है। सैनी जी ने बोला अब तो गाइस कर ही दो, बाय। ओके बाय, थैंक यू। ओके सो ऑलराइट, लेट्स अनबॉक्स दिस पार्सल, लेट्स सी क्या है इसमें, आप सबके साथ अनबॉक्स करते हैं। ये तो ऐसी फट गया, सीजर की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑलराइट, वाओ भाई, जो मैंने एक्सपेक्ट करा था वैसी है, जैसा एक्सपेक्ट करा था। आई थिंक मैं बर्थडे पे पहनूंगा, फिर बर्थडे के बाद एक और पार्टी में जाना है, सो तब पहनेंगे। खोल के दिखाते हैं क्या करें, खोलना भी नहीं आ रहा। अभी एंड ऑफ सीजन सेल चल रही थी ना गाइस, 11 से 17 जून तक, तो तब मैंने कहा कि यार शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत दिनों से मैंने शॉपिंग नहीं करी थी। झूठ बोल रहा है। नो, आई एम टेलिंग यू। कमेंट डाउन बिलो, कैसे लग रही है आप सबको? मुझे तो काफी बढ़िया प्रिंट लग रहा है, डिजाइन भी अच्छा है और प्योर कॉटन की है, बहुत महंगी है। मम्मी बोल रही है 470 की बहुत महंगी है, इस टाइप की यू नो, इस क्वालिटी की टी शर्ट। वाह भाई वाह, तालियां। अबे यार ऐसी नहीं मिलती ऑफलाइन, ये सोचो। जितनी तो मिलती जाए, उतनी लगे थोड़ी। तो गाइस आई वॉज ऑन माई वे फॉर द जिम, बट मैंने सोचा मैं अभी आपको क्लाउड की झलक दिखाता हूँ, कितने सही हो रहे हैं यार, सी इजंट इट? ओ भाई साहब, incredible India. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. So guys, gym se aa chuka tha main, aur abhi dinner time ho raha hai, aur aaj Saturday hai, to fir you know, चीट मील तो बनती है। मैं आया था अभी देव स्नैक्स बार पे गाइस, आपको पता ही है मेरी फेवरेट शॉप है, सो मलाई चाप और पनीर टिक्का पे लेंगे। और एक और चीज़ देखो, 10 प्लेट नहीं खानी, 1 प्लेट के पैसे हैं बस मेरे पे, ये नहीं 10 प्लेट फेल दी, ठीक है।
पैसे तो मेरे से ही लेगा। अबे जबरदस्ती, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ तो ठीक है ना, हर बारी मैं क्यों पेमेंट करूँ, हर बारी मैं खिलाऊँ, कभी कभी तो आप भी दोगी। अच्छा, लाइक भाई। अरे भैया तो बिजी हैं। सो गाइस फाइनली जल्दी बताओ क्या लोगी? हाफ हाफ दोनों। घर पे तो फुल कह रही थी दोनों। अभी प्लान के चेंज हो गया, नहीं खा सकते। अरे ले लो भैया, एक जगह ना दो हाफ कर देना, पनीर टिक्का और चाप, ठीक है? एक जगह चाप। और भाई क्या ले? मैंने कहा हाँ आज बना ही लेते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर देना है ना अपने दोस्तों। पहले आपने बहुत ज़्यादा शेयर की थी, मुझे पता है। उस पर तो पता नहीं 120 लाइक आ गए थे, तो बढ़िया चली थी वो वीडियो। हाँ बोलो क्या हुआ? दही वाली चटनी है। एक मिनट, हंस हो फिर इसमें की क्या बात है? दही वाली चटनी डलवा देना भैया मम्मी की, उसमें ना दही वाली चटनी डालना। और क्या हाल है? सब बढ़िया। देखो भाई ये हैं अपने देव स्नैक्स बार के मशहूर पनीर टिक्के मलाई छाप, वेज कबाब, पनीर कबाब। ओ भाई नथिंग लाइक इट गाइस, नथिंग लाइक इट। अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना, ज़रूर एक बार तो यू नो यहाँ पे आना बनता ही है। सही बता रहा हूँ, एक बार ज़रूर आएँ। कितने साल हो गए यहाँ? 18 साल हो गए ना। कुछ और खाना? और कुछ आप आइटम ऐड करोगे क्या फ्यूचर में? कुछ सोचा आपने? हाँ सोचा। क्या क्या है कुछ बता दो मेरे व्यूअर्स को। इसमें अभी हाँ मसाला चाप है। मसाला चाप, अफगानी चाप है। और अफगानी चाप तो बीच में आपने स्टार्ट करा था है ना, बंद कर दिया था। सबसे फर्स्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट कौन सा आपका? मलाई चाप है ना। सो गाइस ऐसे ही नहीं खाता था मैं मलाई चाप हर वीकेंड, कुछ तो बात होगी इसलिए। ये तिलक रोड पे है गाइस, उसी ब्रांच भी है। हाँ दूसरी ब्रांच भी है, वीडियो बनी रही है तो प्रमोशन कर देता हूँ, सही है। तो हाँ ये हरिद्वार रोड पे जस्ट पास में ही है, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर पाऊँ। हाँ यहाँ पे, यहाँ से लेफ्ट साइड में आगे से लेफ्ट मुड़ना है और वहाँ पे सिटिंग एरिया है, अच्छी तरह प्रॉपर खा सकते हैं। एसी भी लगा हुआ है ना, तो बढ़िया है। बस ये है कि थोड़ा 10-20 ऊपर नीचे है चार्जेस, वो तो है ही, थोड़ा एसी का भी तो निकालना है। वो क्रीम ज़्यादा डलवाओगी कम? ज़्यादा दबा के खाऊंगी और योगा नहीं करूंगी ना एक्सरसाइज करूंगी। ये तो बहुत ही खोल रहा है। क्रीमी क्रीमी भाई, हद ही हो गई। चलो कोई नहीं भैया, बहुत सारी मलाई डाल दो दबा के, इतना भी नहीं, खैर मीडियम रखना। देखो गाइस कितनी भीड़ हो रही है, मतलब ये तो फिर भी कमी है क्योंकि यार 10:30 बज रहे हैं रात के। बट अगर आप आ जाओगे ना 7:30 बजे, आपका नंबर आधे घंटे बाद आएगा। ओ, खुशी तो देखो चेहरे पे, क्या करें तुम्हें, एक दिन तो पूरा एंजॉय कर लें। मैंने तो यार क्रीम कमी डलवाई है, मुझे ऐसी पसंद है। थैंक यू। ठीक है गाइस, हर वीकेंड की तरह टेस्ट करता हूँ मैं मलाई चाप को, मुझे तो ऑलरेडी पता है कैसा टेस्ट है इसका, बट फिर भी थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए भाई, नथिंग लाइक इट। जो क्रिस्पीनेस है यार क्या बताऊँ, और इसमें प्रोटीन भी है गाइस, मलाई चाप में प्रोटीन भी होता है, आपको पता ही है न्यूट्रेला से बना होता है मलाई चाप। इसके लिए ना मैं पूरे 6 दिन वेट करता हूँ। देखो मम्मी पिछली बार तो पूरा पास्ता चेट कर दिया था, दिया ही नहीं था बिल्कुल भी। हाँ भाई रिव्यू तो दो, रिव्यू तो भाई मेरे व्यूअर्स को, डरो मत, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ। मौके के साथ मेरा भी चीट मील हो जाता है हफ्ते में 2 दिन। कैसा लगा टेस्ट, कैसा है, क्या है बाहर के कंपैरिजन से कैसा है, दिल्ली बेंगलोर मुंबई? मुझे तो दोनों चीजें बहुत पसंद, मजा आ जाता है। मजा आ जाता है, बहुत बढ़िया, पक्का आ जाता है। 18 साल इसे हो गया, 18 साल हमें भी हो गए यहाँ पे आए हुए सही में, और टेस्ट जैसा उस समय था वैसा ही सेम टू सेम टेस्ट आज भी है। एक चीज गाइज, मुझे अपने कजन की बहुत ज्यादा याद आ रही है वसु की, मैंने इसी प्लेस पे यू नो अपने शुरुआत वाले ब्लॉग में उसे लिया था, इंक्लूड करा था और चीट मील ब्लॉग बनाया था। सो मिसिंग सो मच वसु, आई विश आप यहाँ पे होते और एंजॉय करते। जल्दी आ जाओ, वेट कर रहे हैं तुम्हारा ऋषिकेश में। आजकल अब मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है भाई, आ जा भाई आ जा जल्दी, कोई एक्सक्यूज नहीं है, और तेरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए, जल्दी आ, जल्दी आ जा। एक मिनट भैया, हो गया रेट क्या है बता दो जरा इसका। 70 रुपये का। मज़ा आ गया यार, धन्यवाद, बहुत सही था सीरियसली। तो एक चीज़ पूछनी थी वैसे, आपको ये आइडिया कैसे आया चाप और टिक्के का? अच्छा चाचा जी, तो मतलब चाचा जी का आइडिया था। चलो बढ़िया है, ठीक है भैया सर, ओके। बाकी कर देना है ना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो गाइस सेकंड लास्ट वीडियो में तो बादाम मिल्क रह गया था, तो मैंने सोचा यू नो आज बादाम मिल्क पूरा कर लेते हैं, पी लेते हैं, मॉम के साथ में आ रखा हूँ। सो मॉम का काफ़ी ज़्यादा मन था बादाम मिल्क पीने का, कुछ मीठा खाने का, खाने का तो नहीं मतलब पीने का हो जाएगा। चलो यार चलते हैं अंदर।
तो यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस है बादाम मिल्क, और अगर आप इसलिए जाना है तो हाँ मस्त ट्राई है, यहाँ पे भी आएँ, क्योंकि जो मेरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मलाइशिया पनीर टिक्का और बादाम मिल्क, उसके बाद एकदम मस्त है भाई, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे लोग देख रहे हैं घूर घूर के, ब्लॉगिंग चल रही है, ऋषिकेश में कम ब्लॉगर्स हैं, सो हाँ ये एडवांटेज है मेरे पे। खुश हो? बहुत बढ़िया, बड़ी मुश्किल से मिली है, इसके पैसे हमने एडवांस दे दिए थे क्योंकि कभी कभी खत्म हो जाती है तो मिल नहीं पाती। ऑल राइट गाइस, सो रीच होम राइट नाउ, और मैं ये सोच रहा था मम्मी यार आप वीडियो कब डालोगी यार, 2 महीने हो चुके हैं अपने म्यूजिकल विनीता यूट्यूब चैनल पे, कब डालोगी वीडियो? 3 दिन में आ ही जाएगी। ऑल राइट गाइस, सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने दिल से बनाई है। अगर आपको सच में पसंद आई वीडियो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एक दूसरे के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।